और अब जबलपुर ब्लैकमेलिंग कांड, बड़ा अपडेट इसमें आया है। छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने में एआई का इस्तेमाल किया गया। अश्लील वीडियो में छात्राओं का चेहरा लगाया गया और चेहरा लगाकर छात्राओं से ब्लैकमेलिंग की गई। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनसे पैसों की डिमांड की गई और बदनामी के डर से छात्राओं ने ब्लैकमेलर को पैसे दे भी दिए। अश्लील वीडियो कांड में एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता एसपी ऑफिस पहुंचे और कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा। दोनों ही छात्र संगठनों ने छात्राओं के साथ हुई वारदात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ब्लैकमेलिंग कांड हो गया बड़ा खुलासा। अश्लील वीडियो वाला किरदार बेनकाब। एआई का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के खेल। आपके खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर हुई है, आपका एक न्यूड वीडियो में फेस दिख रहा है, तो अगर आपको कंप्लेन हटवानी है तो आप मुझे 5,000 रुपए भेज दो। एक या दो लड़कियों के पास नहीं, कम से कम 60 से 70 लड़कियों के पास कॉल और मैसेज आए। धमकी का डर, रुपए करवाए ट्रांसफर। ग्रुप था हमारा, तो वो उसमें हमारे सबके नंबर थे फर्स्ट ईयर के, तो अब हम लोग सेकेंड ईयर में हुए, तो वो पहले वाले ग्रुप से हम लोग के नंबर निकाल निकाल कर पर्सनली सबको मैसेज कर रहा था। तुम्हारे खिलाफ शिकायत है, तुम्हारे मोबाइल नंबर से न्यूड वीडियो और फोटो भेजे गए। बचना चाहती हो तो पैसे ट्रांसफर कर दो, नहीं तो वीडियो और नंबर वायरल कर दिए जाएंगे। सोचिए अगर आपका अश्लील वीडियो वायरल करने की कोई धमकी दे तो आप क्या करेंगे। क्योंकि जबलपुर में कॉलेज की छात्राओं के साथ ऐसा ही हुआ। छात्राओं से ब्लैकमेलिंग के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने में एआई का इस्तेमाल किया गया। अश्लील वीडियो में छात्राओं का चेहरा लगाया गया और चेहरा लगाकर छात्राओं से ब्लैकमेलिंग की गई, उनको डराया गया, धमकी दी, फिर रुपए मांगे गए। बदनामी के डर से कई छात्राओं ने रुपए भी ट्रांसफर कर दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर छात्राओं का नंबर कैसे लीक हुआ? बच्चों को जब सूचनाएं दी जाती है ना, तो वो अपना कौन सा टेलीग्राम वगैरह रहता है ना, उसमें सामूहिक सूचना दी जाती है कि आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपका ये हो रहा, तो उससे कोई भी लड़की ऐसी भी हो सकती कि जो किसी को बता दी हो, है ना, इसलिए अपन लोग इतने अच्छे से नहीं जान सकते। एक दो नहीं, 70 छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजे गए, पुलिस अधिकारी बताकर ब्लैकमेलिंग की गई, कॉलेज की छात्राओं को डराया गया, आरोपी ने घर आने की दी थी धमकी, ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर करवाए। उधर ब्लैकमेलिंग के मामले में एनएसयूआई और एबीवीपी छात्र संगठनों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है। बड़ा विषय यह है कि कॉलेज प्रशासन को जब यह विषय पता था, उन्होंने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करी और गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया। पुलिस प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ता यहां पर एसपी कार्यालय घेराव करने आए हैं और दोषी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। डराकर उनसे पैसे जो है वसूलने का प्रयास किया गया, जिसमें अभी तक 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो सूचना है उन्होंने बताया है। हम ये एक साइबर फ्रॉड का केस है जिसपे हमारी टीम वर्क कर रही है और आरोपियों को आइडेंटिफाई करके जल्दी उन्हें गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल कई हैं। कैसे छात्राओं के नंबर लीक हुए और कौन है जो ये सब कर रहा है? अब देखना होगा कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा पवन के पास आपको लिए चलेंगे। पवन, मॉर्फिंग के लिए भी एक फोटो चाहिए, वो कहीं ना कहीं से लीक हुई है, किसी ना किसी साझा ग्रुप से निकली है या लड़कियों के कॉन्टैक्ट नंबर से निकली है, यही सबसे बड़ा सवाल। पवन, अब बिल्कुल ललित, जिस तरह के ये घटनाक्रम है उसमें सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर आरोपी के पास में या जो ब्लैकमेलर हैं उनके पास में ये नंबर कैसे पहुंचे। अच्छा, नंबर तो ठीक है, नंबर के साथ साथ उनकी फ़ोटो, उनकी पूरी फैमिली की डिटेल्स कैसे उन तक पहुंची है? दो कारण हो सकते हैं, या तो कॉलेज का जो जहाँ पर पूरा डाटा जमा करती हैं स्टूडेंट्स लड़कियाँ, वहाँ से या तो पोर्टल से लीक हुआ है या फिर सोशल मीडिया जो फेसबुक ट्विटर
या इंस्टाग्राम जैसी आईडीज हैं वहां से लीक हो सकता है, लेकिन जो भी ब्लैकमेलर हैं वो इतने शातिर हैं कि हर स्टूडेंट का पूरा पूरा डेटा उन्होंने सेपरेट करके रखा है, यानी अलग अलग छात्रा का पूरा डेटा रखा हुआ और उसके आधार पर वो पहले फ़ोन करते हैं, पहले नॉर्मल बात करते हैं, उसके बाद फिर शुरू होता है सिलसिला धमकाने का कि हमारे पास तुम्हारा एक वीडियो है, एक अश्लील वीडियो है, बड़ी बात है, चेहरा दिख रहा है। मामला एक छात्रा, दो छात्रा, तीन छात्रा का नहीं है, मामला निकला होगा, कॉलेज तक पहुंचा होगा, पहली लापरवाही वहां हुई होगी और दावे के साथ कह सकता हूं पुलिस इस तरह के मामलों में कैसा ट्रीटमेंट देती है। नंबर ब्लॉक कर दो। पवन, बिल्कुल, ये जानकारी सामने आई है कि 21 जुलाई को सबसे पहली कंप्लेंट एक छात्रा ने की थी और कॉलेज मैनेजमेंट को ये शिकायत की गई थी, लेकिन मैनेजमेंट ने उन्हें ये कह दिया कि नंबर ब्लॉक कर दो और इस बारे में ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसमें कॉलेज को या मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जब और भी छात्राओं ने शिकायत की तो उन्हें भी मैनेजमेंट की तरफ से यही जवाब दिया गया। यदि 21 जुलाई के बाद या 22 जुलाई को तत्काल इस पर एक्शन लिया जाता, पुलिस को सूचना दी जाती, तो शायद ये सिलसिला वहीं रुक जाता, एक दो छात्राओं के साथ ये घटना होती, बाकी छात्राएं बच जाती। लेकिन आज जो जानकारी सामने आ रही है लगभग 1.5 महीने बाद कि 70 से ज़्यादा छात्राएं इस पूरे वारदात की शिकार हो चुकी हैं और वो डरी सहमी है, अभी भी खुलकर सामने नहीं आ रही, सिर्फ दो छात्राओं ने अभी तक शिकायत की, बाकी छात्राओं ने शिकायत नहीं की है, इससे समझा जा सकता है कि कानून के रखवाले काउंसलिंग करें ना, ये उनकी जिम्मेदारी है, सौ मोटो लेकर किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद पवन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं धर्मनगरी उज्जैन की, बाबा महाकाल की नगरी की, जहां दरिंदों को न महादेव का भय है न कानून का। जो वारदात सामने आई है वो हैवानियत की ऐसी ही कहानी है जिसे सुनकर हर कोई दहल जाएगा। एक महिला को शराब पिलाई गई, शादी का उसे वादा किया गया और फिर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और ये सब किसी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, फिर सोशल मीडिया पर इसे वायरल भी कर दिया गया। हैवानियत से कापी महाकाल नगरी, सरेरा महिला के साथ हुई दरिंदगी, शराब पिलाई फिर दरिंदगी की इंतहा, हैवानियत का वीडियो हुआ वायरल, धर्मनगरी एक बार फिर हुई शर्मसार। मैं तुमसे शादी करूंगा, अपने साथ रखूंगा, वादा किया और फिर इज्जत को तार तार कर दिया। वारदात के बाद आरोपी भाग गया। उधर इस पूरी वारदात का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। धर्मनगरी उज्जैन में एक महिला के साथ सरेरा फुटपाथ पर रेप की वारदात सामने आई है जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, उसकी शिकायत पर FIR दर्ज किए है जिसमें बताया गया कि एक युवक था जिसने उसे शादी का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए जिंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो और ऐसा करके, और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको धमकी दे के और भाग गया। महिला की शिकायत हमारे तक आई, FIR दर्ज की गई और संबंधित आरोपी को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। शराब पिलाई, शादी का वादा किया और फिर हैवानियत, सरेरा हैवानियत की वारदात ने इंसान की फितरत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उस शख्स पर भी जिसने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। जिन्होंने वीडियो बनाया और वीडियो को वायरल किया है उसको भी अभी हम चिन्हित करेंगे और उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे समाज में मैसेज जाए कि अगर इस तरह की कोई घटना आपके संज्ञान में आती है तो तत्काल पुलिस को संज्ञान में लेके आए, जिससे इस तरह की कोई चीज सार्वजनिक जगह पर ना हो सके और उसके जो भी लोग हैं जो इसको वीडियो वायरल कर रहे हैं उन सभी के खिलाफ अवैध तरीके से वायरल करने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है, वीडियो वायरल करने वाले शख्स की तलाश की जा रही है। अब देखना होगा पुलिस इस वारदात को लेकर क्या नया खुलासा करती है। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18।
और उज्जैन में हुई घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जो सरकार पर लगातार हमलावर है, उन्होंने अब एक बार फिर से सरकार को घेरा है। कानून व्यवस्था को लेकर वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस पर पलटवार किया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने। देखिए वार पलटवार। ये तो एक उज्जैन का है, पूरे प्रदेश में हर जगह महिलाओं का मामला सामने आ रहा है। ये जो कानून व्यवस्था है पूरी ठप है और आज जनता इसकी पूरी गवाह है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आंदोलित है बंगाल की घटना को लेके। जरूर वहाँ भी जो घटना हुई विभत्स है, अपराधियों को फांसी होना चाहिए, पर मध्य प्रदेश की ओर भी तो देखो कि यहाँ हालात क्या है। मध्य प्रदेश में हालात बस से बदतर है। देखिए, जीतू पटवारी या कांग्रेस या विपक्षी दल के जो लोग हैं उनके पास कोई मुद्दे नहीं होने के कारण से हर प्रकार की घटना दुर्घटना को इस प्रकार का वो स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं किसी ने किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत की है, किसी प्रकार का गलत आचरण किया है और जिस प्रकार की चीजों को वो सामने लाने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने का अगर किसी ने सबसे पहले कानून बनाकर इन्हें दंडित करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जीतू पटवारी जी। वहीं इस घटना पर प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि महिला के साथ दुष्कर्म की घटना अत्यंत भयावह है। आज पूरा देश सन्न है, हमारा समाज किस ओर जा रहा है। लोग महिला को बचाने की जगह वीडियो बना रहे हैं। तो एमपी और छत्तीसगढ़ में रेप और छेड़खानी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। रायपुर हो, रीवा या फिर जबलपुर, इन तीनों ही जगह से रेप और छेड़खानी की कोशिश के मामले सामने आए हैं। विस्तार से बताते हैं, बात रायपुर की करें तो यहां लॉ स्टूडेंट को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप लगा पुलिस के जवान पर। आरोप ये कि आरोपी ने अपनी ही कार में लड़की को शिकार बनाया। आरोपी को इस स्टूडेंट का परिचित ही बताया जा रहा है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बच्ची के साथ रेप की कोशिश की गई। सोते वक्त बच्ची के साथ गलत हरकत की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है। इधर मध्य प्रदेश में जाति सूचक गांव, टोला, कस्बा और स्कूलों के नाम बदलने की मांग उठ गई है। ये मांग बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नेताओं की ओर से की गई है। बीएसपी के नेता अवधेश प्रताप सिंह राठौर और कांग्रेस के जो भूपेंद्र गुप्ता हैं, उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखा है। इसमें जाति सूचक नाम वाले गांव, टोला और स्कूल के नाम महापुरुषों और संतों के नाम पर रखे जाने की मांग की है। एक आंकड़े के मुताबिक मध्य प्रदेश में 5000 से ज्यादा जाति सूचक गांव, टोले, कस्बे, स्कूल हैं। वहीं सतना में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जीजा को तस्कर में पकड़ने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है, कहा है कि बीजेपी के मंत्रियों के रिश्तेदार अवैध कारोबार कर रहे हैं। युवाओं को भी नशे की जद में धकेला जा रहा है। ऐसे में सरकार को संबंधित मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आरोपी का मंत्री से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करे। दरअसल सिंगापुर पुलिस ने शैलेंद्र सिंह उर्फ सम्मू को गिरफ्तार किया था। उनके मोबाइल में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन की जानकारी भी मिली थी। बताया जा रहा है कि आरोपी मंत्री प्रतिमा बागरी की छोटी बहन का पति है। एक मंत्री का दामाद यानी कि छोटी बहन के पति अगर प्रतिबंधित दवाएं जो युवाओं को नशे की ओर धकेल रही हैं, ऐसी दवाओं की तस्करी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं इससे गंभीर और गंदी बात कुछ नहीं हो सकती है। और डॉक्टर मोहन यादव जी, आपकी सरकार में
अगर जरा भी इकबाल हो तो एक निर्णय लीजिए और राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त कीजिए। कांग्रेस के नेता लगातार गैर जिम्मेदारीपूर्ण बर्ताव कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। मंत्री जी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करती हैं, लगातार लोग उनके साथ मिलते रहते हैं, फोटो आती हैं, उससे रिश्तेदार नहीं बन जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। ना मंत्री जी के रिश्तेदार हैं, ना पार्टी का कोई कार्यकर्ता है। और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की नीति है अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की, जो भी अपराधी है उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करेंगे शादी में फर्जीवाड़े की। गरियाबंद में अंतरजातीय विवाह के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में फर्जीवाड़ा हुआ है। मामला सामने आने के बाद विभाग की तरफ से 12 लोगों के खिलाफ FIR के आदेश जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि साल 2019 में जिले में 25 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए थे। विभाग की तरफ से हर जोड़े को अंतरजातीय विवाह के लिए 2.5 लाख रुपए दिए गए। शादी के रजिस्ट्रेशन से लेकर राशि के भुगतान की सारी प्रक्रिया आदिवासी विकास विभाग के जिम्मे थी। लेकिन इस योजना में करीब 12 जोड़े ऐसे थे जो पहले से शादीशुदा थे और कुछ जोड़ों ने रुपए लेने के लिए गंधर्व विवाह के फर्जी सर्टिफिकेट लगाए थे। मामले की शिकायत 2020 में की गई थी, लेकिन जांच की फाइल अटकी पड़ी रही। अपर कलेक्टर अरविंद पांडेय ने बंद पड़ी फाइल को दोबारा खोला। इस दौरान कलेक्टर को जांच में 12 जोड़े अपात्र मिले और इन्होंने 30 लाख रुपए से ज्यादा की चपत सरकार को लगाई है। अपर कलेक्टर ने फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारी कर्मचारी समेत अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश जारी किया है। मानदंड है हितग्राहियों के लिए, उन कागजातों को देखा नहीं गया, बिना कागजातों की पूर्ति के तत्परता दिखाई गई उनको लाभ देने में, इससे मिली भगत की आशंका प्रतीत हुई और ऐसा लग रहा है जैसे शासकीय राशि का मिलजुल कर गबन किया गया है। तो दोषियों पर कार्यवाही के लिए पुलिस या कार्यवाही के लिए बोला गया है उनको, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को आगे कार्यवाही भी करेंगे। अब उसमें कार्यालय भी लग रहा है और जो हितग्राही है वो तो संलिप्त है ही, और आगे पुलिस या जांच कर। इधर यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक अभी भी जारी है। बहराइच में गन्ने के खेत में एक साथ दो भेड़िये दिखाई दिए और इन सब के बीच अब MP में भी भेड़िये ने दस्तक दे दी है। जी हां, खंडवा में भी भेड़िये का आतंक देखने को मिला है। यहां के मलगांव में ये भेड़िये ने हमला किया है। 5 लोगों पर इस भेड़िये ने हमला कर दिया, गंभीर रूप से इन्हें जख्मी कर दिया। भेड़िये की दस्तक के बाद देर रात लोगों ने भेड़िये की तलाश शुरू की। कड़ी मशक्कत के बाद इस भेड़िये को पकड़ लिया गया है। तो वहीं हमले में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये अदम खो रहा है, 3 आदमी को घायल करा, इसको हमने पकड़ लिए। प्राप्त हुए उसमें वन्य जीव की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, परंतु जो ग्रामीण द्वारा बताया गया है कि सुबह 5 से 6 बजे का समय प्रातः वो लोग बाहर सो रहे थे, उस समय उनके द्वारा हमला किया गया। एक महिला के सिर पर चोट आई है, उसके अलावा किसी की बाहों में किसी के हाथों पर काटा है और वो भाग गया, ये बताया जा रहा है। मामले की छानबीन के लिए हमारा स्टाफ मौके पर पहुंच चुका है। जैसे जांच के बाद में जो भी तथ्य सामने आते हैं हम आपके सामने रखेंगे। रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर विनेश फोगाट ने कहा कि बीजेपी जब हमें सड़कों पर घसीट रही थी तब तमाम विपक्षी पार्टियां हमारे साथ खड़ी थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं देश सेवा के संकल्प के साथ कांग्रेस में शामिल हो रही हूं। हमारे हाथ में जो होगा हम अपने लोगों का भला करेंगे, मुझे देश की जनता की सेवा करने का मौका मिला है। जो खिलाड़ी के तौर पर हमने सामना किया या जिस तरह की स्थितियां रही, बाकी लोगों को इस तरह की स्थितियों का सामना न करना पड़े। माना जा रहा है कि दोनों ही कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो पहलवान बजरंग पूनिया चुनाव लड़ सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि राई या फिर बादली इन दोनों ही विधानसभा में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इधर विनेश फोगाट का नाम भी टिकट की रेस में फाइनल है। बताया जा रहा है कि विनेश चरखी दादरी, बाढ़ड़ा या जुलाना, इनमें से कोई एक सीट चुन सकती है। यानी दोनों का ही चुनाव लड़ना फिलहाल तय माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमने किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे। तो विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट ने बाकायदा अपनी नौकरी से इस्तीफा भी दिया, रेलवे की नौकरी से, और उन्होंने उसके बारे में भी लिखा, धन्यवाद भी दिया। और अब कांग्रेस के साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, तो दोनों को लेकर पहले ही ब्रजभूषण सिंह ये कह चुके हैं कि हरियाणा में जो राजनीति करते हैं दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, उनका हाथ है। जो ये गुस्सा विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के अंदर देखने को मिल रहा है, और आज इस बात को लेकर एक बार फिर कहा कि ये साबित हो गया है। इधर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में शांति, स्थिरता, विकास पर जोर है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि घाटी में धारा 370 के चलते ही अलगाववाद बढ़ा। को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है, मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी, और आज मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे काम हुए हैं। 5 की आंच में इतना ही।